सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो यादव डेयरी फार्म से हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हो। यादव डेयरी फार्म से हम सब जानते हैं कि हर पशु में क्वालिटी बेजोड़ देखने को मिलती है, तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली, काफ़ी ज़बरदस्त जोटी की वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी है और मिल्क में भी काफ़ी अच्छी। हम इसकी जो कि संपूर्णतः डिटेल्स भाई मंजीत से लेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर हम जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एड्रेस है वो बताना चाहूँगा, गांव खेड़ा थरू, डिस्ट्रिक्ट लगता है झज्जर और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। यादव डेयरी फार्म शुरुआत से जो कि क्वालिटी के ऊपर काम करता आ रहा है, और जितने भी हमने कवरेज आप लोगों को यहाँ से करके दिखाई है, हर पशु में क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं मंजीत भाई के पास और एक शानदार जुटी डिटेल्स हम लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहिब जी, सबसे पहले आप हमारे फार्म पे आए, आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यूअर भाई जो आपके चैनल से पशु प्रेमी जुड़े हुए हैं, हाँ जी, उनको भी हाथ जोड़ के नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में जो स्क्रीन पर जो जोटी सर, इसकी डिटेल्स बताएं, कौन से लैक्टेशन में है? वैसे लैक्टेशन इसका ओरिजिनली सेकंड है। हाँ जी, वैसे इस तरह की जोटियों को फर्स्ट भी बता दिया जाता है। हाँ जी, सेकंड लैक्टेशन है, खीस बोले से खाली की है। हाँ जी, और ये मान के चलिए अभी प्रेजेंट में 15 दूध तैयार है खाली करते ही। अच्छा, खाली करते ही खीस बोल लो, बोड़ा बोल लो। हाँ जी, 7:30 सुबह 7:30 शाम को अभी तैयार है फिलहाल प्रेजेंट में। ठीक है, मिल्क और ब्यूटी की मैं कहूंगा एक लाजवाब कॉम्बिनेशन है इस जोटी का। हाँ जी हाँ जी, सीन क्वालिटी से लेके टेल से और आप फेस से टेल तक का ना कोई माइनस है वो तो आप तलाश के दिखाइए। हाँ जी हाँ जी, छोटा सींग है बिल्कुल, वो सींग है जो शायद वापिस इसको लगेगा नहीं। हाँ जी हाँ जी, पीछे राउंड होके सेप इधर से निकल रही है। हाँ जी, मैं आप लोगों को पीछे से जो कि कवर करके यहाँ से कवर करके दिखाना चाहूंगा, जो सिंगों की जो बनावट है बिल्कुल छोटा सींग, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सींग और लंबी गर्दन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लंबी गर्दन की। हाँ जी हाँ जी, साइज है किस टाइप के साइज की, शायद 10 बार काउंटिंग कर देगी तब भी बूढ़ी दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी नहीं दिखाई देगी। हाँ जी हाँ जी, साथ में 2 ही दिन अपने फार्म पे आए हुए हैं और जो शांत स्वभाव वो काफी ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिला, और ये देख सकते हो जो अडर क्वालिटी है ये देख सकते हो काफी शानदार, और जो थनों में जो स्पेस है वो भी काफी अच्छे खासे हमें यहाँ पे देखने को मिला। और जैसे की 15 किलो दूध अब तैयार है, उसमें लगभग 1 किलो घी भी तैयार है। 1 किलो घी भी प्रेजेंट में तैयार है। ठीक है, टिंडी घी मक्खन जो बोलते हैं वो 1 किलो आज तैयार है इसमें। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठंडी है, चौई 1 नंबर की। हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया कोई भी भाई चौई की फुल गारंटी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी अभी लगभग 1.5 से प्लस निकाल रही है, 1.5-2 के बीच में। ठीक है, पूरे पीक पे 2.5 किलो से प्लस अगाड़ी निकाल देंगी। हाँ जी हाँ जी, और ठंडी इतनी है कि एक किस्म से आप ये मान के चलिए अगर अच्छे दूध पे चली ना तो दंगल में जो भैंस होगी ना वो भी नहीं मिलेगी इतनी ठंडी, चाहे 20 आदमी खड़े रहे, कोई ओपरापन नहीं, कोई नहीं जगह मतलब बिल्कुल कूल है। और फिलहाल जो कि खीस से खाली करते ही अगर 15 किलो दूध से उठी तो हम इससे अच्छे खासे दूध की उम्मीद हम कर सकते हैं। एक चीज और भाई। हाँ जी हाँ जी, मोस्टली है ना रात को उठ के 2-3 बजे दूध निकाल के। हाँ जी हाँ जी, टाइम लगाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, अपना कोई भी पशु। हाँ जी, टाइम लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे है ना वो क्लियर आपके सामने। हाँ जी, मैं आपको पीछे से कवर करके दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं कोई थन वगैरह नहीं, ये धागों पर की है। हाँ जी, कोई चक्कर किसी तरह का नहीं, बिल्कुल साफ जो है। हाँ जी ठीक है, और आगे से भी जो कि मैं आपको थनों का जो स्पेस है वो आपको कवर करके दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हो काफी शानदार खाली हुई है वो जो आने में, तो मान के चलिए हाँ जी लगभग आप कम से कम 8-10 दिन का टाइम और ले लेगी। हाँ जी, लेकिन पूरे पीक का जोश इतना होगा तो टीशर्ट चला नहीं जाएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हम आप लोगों को इसको जो कि चला के और जरूर दिखाना चाहेंगे, पशु का जो व्यक्तित्व तो पता लगता है कि पशुधन कैसा, ये देख सकते हो, ये होती है ब्यूटी, ये देख सकते हो हेड की क्वालिटी, और जो सींग है बिल्कुल छोटा सींग और बिल्कुल पतला सींग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो मुर्रा के जो करेक्टर्स होते हैं आप इसमें वो खूबी देख पा रहे हैं, और जो अडर क्वालिटी आप इसमें देख पा रहे हैं ये देख सकते हो काफी शानदार और काफी स्टिक अडर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देख सकते हो हाइट और लेंथ है वो काफ़ी अच्छी खासी हमें यहाँ पे देखने को मिली। भाई मंजीत की हाइट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जोटी में प्रेजेंट में कितनी हाइट है, एक गुण नहीं। हाँ जी हाँ जी, सारे मिलेंगे, मुंह की भी कच्ची है ये देख सकते हो, भाई ने जैसे कि बताया कि मुंह की भी काफ़ी अच्छी है, और
ये देख सकते हो बिल्कुल छोटा सींग। आज की तारीख में फिलहाल प्रेजेंट में फिलहाल मौके पर कोई भी कमी हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिली। और ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं खीस से खाली होते ही जो कि 15 किलो दूध और प्रेजेंट में जिसे टिंडे की बोल देते हैं वो फिलहाल प्रेजेंट में तैयार है। हाँ जी हाँ जी अभी गिरने नहीं दिया है। ये देख सकते हो बिल्कुल जो कि सूंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वास्तव में जो दर्शाते कि हाल फिलहाल में इसने जो कि जन्म लिया है और अभी से ये देख सकते हो सूखा भी नहीं है। ये देख सकते हो कच्चा सूंड है। ये देख सकते हो दूसरा मेल है भाई या फीमेल है ये पता नहीं भाई मेल है। मेल है ठीक है ऐसे है। हाँ जी बहुत गाड़ियां भरने वाले बहुत बड़े नाम बहुत बड़ी बातें करने वाले देखे हैं। हाँ हाँ 15 बता दिया। हाँ जी मैं अब 1 लीटर कम बता रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी कोई भी भाई मेरे 2 टाइम दूध देख ले दूध कम मिले ना 10,000 रुपए दूंगा। हाँ जी हाँ जी 15 है 14 बताया 16 मिलेगा। ठीक है ठीक है। हाँ जी अपनी मेहनत पे भरोसा ही नहीं कि कोई ज्यादा पैसे देने से ज्यादा अच्छी भैंस मिलेगी ना। हाँ जी क्या पता कोई 1.5 लाख की 2 लाख की 5 लाख की वो भी ना निकाले दूध। हाँ जी लेकिन आज के दिन जोटी में भी कमी नहीं है चाहे वो जोश की देख लो। हाँ जी लेवे की देख लो स्वभाव की देख लो बहुत ठंडी देख सकते हो जो शांत स्वभाव काफी शानदार। और ये देख सकते हो अडर बिल्कुल साफ सुथरा अडर और जो की उम्मीद काफी अच्छी है। मैं ये नहीं कहता ये 20 किलो 22 किलो देगी जो भी देगी। हाँ जी उसके पैसे उस दिन लेंगे। हाँ जी आज जो भाई लेना चाहे वो फोन कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकता है। हाँ जी जी ठीक है तो भाई के पास जो कि बिक्री के लिए उपलब्ध है आप किसी भी टाइम आके यहाँ पे आप जो कि अच्छा से अच्छा जो कि पशुधन है वो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हमने आप लोगों को जो सेकंड टाइमर जोटी आप लोगों को दिखाई और जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी खासी जो पशुपालक भाई हैं ऐसी ऐसी जोटियों की जो स्पेशली अपने घर के लिए जो एक पशुधन तलाशता है वो शांत स्वभाव सबसे ज़्यादा जो कि भाई साहब दूध हाँ आज 15 तैयार दे रहा हूँ भाई। भाई हमें एक बात और पूछना चाहेंगे क्योंकि आप भी मतलब काफी सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और आपके फादर साहब भी करते हैं लगभग जो ताजी भैंस भी आई होती है वो लगभग कितने दिनों में जो कि पीक पर आती है भाई भैंस देखी जाती है। हाँ जी एक भैंस वो है जो लगभग मान लो वैसे बोलने को तो बगैर हड्डी की जीव है फेंक दो 5 दिन में दूध पूरा कर दूंगा। हाँ हाँ। पूरे हरियाणा का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ भाई ये गए 10 दिन में पीक लगा के दे दूंगा आपकी नहीं बढ़ेगी। हाँ हाँ। भैंस का दूध बढ़ने का टाइम होता है लगभग 40 से 45 दिन 45 दिन। नॉर्मल व्यापार में कोई अच्छा जानकार है तो जब मेले पे लगेगी ना तो भी 20 दिन से पहले दूध तैयार नहीं कर सकता। ये जितने भी दूध तोड़ने वाले रिकॉर्ड वाले है ना उनके बच्चे देख लियो भैंसों के इतने इतने सींग मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो ताजी हाँ ये अच्छी केयर में जहाँ आज मान लो ये 13 किलो पे भाई जो दूध तोलते हैं वो लगभग भैंसों की जो हीट भी मरवा देते हैं 4-4 महीने गैप इन करवाते हैं। हीट मिस नहीं होगी ना। हाँ हाँ जब तक दूध पे नहीं आएगी तोलेगी नहीं भैंस बिल्कुल बिल्कुल। कितने भी तोलने वाले लगा दियो मेले के अंदर सीमन भरवाते मिलेंगी क्यों। हाँ जी हाँ जी उनको ये बताया अगर सीमन नहीं रखवाया तो हीट खत्म नहीं होगी और हीट खत्म करनी है तो आज दूध तोलेगा प्रेजेंट में टिक्का भरवा के भी दूध तोल सकती है भैंस। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ये देख सकते हैं काफी जो कि बातें हैं हमें यहाँ पे इस वीडियो में देखने को मिली और वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। आशा करें कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी छोटे पशुपालक के पास या फिर किसी हाईटेक डेयरी फार्म।